बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मेरी क्लिप से आइडिया हो गया होगा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरगाह हज़रत शाह सैयद अब्दुल्ला शाह बाज़ी बाबा के मज़ार पे, और यहाँ से मैं अभी आपको दिखाऊंगी मोहम्मद उमर शरीफ फ़ख्र पाकिस्तान की खबर। और आज हम यहाँ पर जो आए हैं, इसी सिलसिले में आए कि थोड़ा सा जेंट्स जो हमारे साथ हैं, टीम है, सब है कुछ लोग साथ, तो वहाँ पे फातह होनी करते हैं। यहाँ से छोड़ा सा आपको अपने वीडियो की तवस्त से मैं कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ। तो मेरे यहाँ पे वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जैसा कि आप दीगर खबरों में सुन रहे होंगे कि जनाब अली के जैसे कि आमिर लियाकत साहब की पोस्टमार्टम जो वक्त से पहले नहीं हुआ, जो मतलब तदफीन से पहले जो होना चाहिए था, और जो उनकी जो एक अचानक मौत ने सिर्फ उनकी फैमिली को नहीं, तमाम लोगों को, उनके चाहने वालों को बहुत बुरी तरीके से मुतासर कर रहा। यह खबर हमारे लिए ना सिर्फ अफसोस का बायस थी, एक हैरान कौन खबर थी जिसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ऐसी कुछ फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और एक खातून मेरे साथ हैं जो कि आज यहाँ पर आई थी, और उनका मैं रद्दमल आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कहेंगी इस बारे में कि आया आमिर लियाकत साहब की खबर की जो है खबर को शायद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर मुझे मौका लगा तो ज़रूर आपसे उनकी जो है राय लेंगे। तो यहाँ खातून मेरे साथ है, आपको मैं दिखाती हूँ क्या कहती हैं, और आप उनसी ज़बानी सुने कि वो क्या कहती हैं इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आमिर लियाकत जो थे ना, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया थे बेशक, और यकीन करें कि उनके जाने से ऐसा लग रहा है जैसे अब हम बिल्कुल दुनिया में अकेले रह गए। और मैं कहती हूँ कि मुझे पूरा आई एम श्योर कि वो उनको जो है ना मर्डर किया गया है उनका, तो उनका पोस्टमार्टम ज़रूर होना चाहिए, उनकी खबर कुशाई ज़रूर होनी चाहिए। मतलब आप कहती हैं कि इस वक्त आप फेवर में हैं कि जो ये मैं फेवर में हूँ, मैं कह रही हूँ उनकी वाइफ और उनके बच्चों के अगेंस्ट होकर जो अदालत है उनको ये हुक्म देना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, और उनके जो है वो उनके मर्डर की क्या वजूहत थी, क्या मर्डर आया हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ली जाए, और जो है वो फिर उनके जो मर्डरर हैं उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और उनकी तीसरी बीवी जो है ना वो उसमें यकीनन उसमें शामिल है, तो उनको जो है ना गिरफ्तार किया जाए, और जो है ना उनकी कब्र कुशाई हर सूरत में होनी चाहिए। मैं पूरे पूरे इसमें फेवर में हूँ कि उनकी कब्र कुशाई हो और उनका पोस्टमार्टम हो। बहुत शुक्रिया। और यहाँ से भी भाग जाना है।
और ये आप सबके सामने हैं जनाब फख्र पाकिस्तान मोहम्मद उमर शरीफ साहब की कब्र। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इनकी मगफरत फरमाए। और ये हमारे सामने इस वक्त अलाज शेख लियाकत हुसैन साहब की कब्र है, बेगम महमूदा सुल्ताना वालदा आमिर लियाकत हुसैन की कब्र है। इस वक्त ये मैं आपको दिखाऊं, आज चूँकि मामला ये था कि अदालत के हुक्म के मुताबिक आमिर लियाकत भाई की कब्र की जो है कब्र को शाये होनी थी। अब क्या इसका मामला था इसका भी कोई इतला नहीं है, क्योंकि आज तो नहीं हुई है ये कब्र को शाये। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं उनको कब्र को देखने के लिए। तो जैसा कि आप सबने देखा कि जो कुछ खबरें पूरी खबरें जो मीडिया में फैलाई जा रही थी कि जी आमिर लियाकत साहब की जो खबर की जो है खबर फैलाई होती है और उसमें ये वाक़ा देखने में आया, इस तरह के मामला देखने में आए, तो खुदारा इस तरह की झूठी सच्ची खबरों को ना फैलाएं। ये तो एक वक्त ऐसा है, एक तो फैमिली के लिए भी एक चीज़ है और एक आवाम के लिए भी है कि जी खबर के खोदने की जो है खबर कुछाई की जाए। कुछ लोग इसके हक़ में, कुछ लोग इसके हक़ में नहीं हैं, लेकिन ये कि आज हम भी सिलसिले में यहाँ पे आए थे कि आया अगर देखते हैं कि वहाँ क्या सिलसिला आता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया और आप वीडियो देखते हैं कि आपने देखा खबरें यहाँ पे फैलाई जा रही थी मीडिया के तवस्से से, यूट्यूब के हवाले से, टीवी पे दीगर टीवी चैनल से भी और यूट्यूब चैनल से भी कि जी खबर गुशाई हो गई है। तो ये सब छूट है जैसे मैंने ये दिखाया। इस वक्त तकरीबन मगर के अजान होने वाली है, मंडे पीर का दिन है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ चैनल अफरी बाबा के मज़ार पर और जैसे कि आपको मेरे पीछे भी नज़र आ रहा हो ये सारा मंजर कोई फेक नहीं है, सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी का ये मज़ार है। ये आपको मैं दिखाऊं पीछे की बिल्डिंग तो, और इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। लाइव रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए बताई कि वो पहले की कोई रिकॉर्डिंग ना हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो फाइनली आप उसमें मेरे प्रोग्राम का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।